लीजिए एक और ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रूस का दौरा करेंगे एनएसए अजीत डोभाल, रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे एनएसए। पीएम मोदी का शांति संदेश लेकर के अजीत डोभाल पहुंचेंगे तो दौरा करने वाले हैं रूस का। जाहिर तौर पर इससे पहले हमने आपको बताया कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने यह भरोसा जताया भारत पर, और अब इधर देखिए अजीत डोभाल का रूस का दौरा रहने वाला है और यहां पर शांति का संदेश लेकर के अजीत डोभाल जाएंगे और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के समक्ष शांति का संदेश रखने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने शांति का जो संदेश दिया है वो संदेश लेकर के अजीत डोभाल वहां पर पहुंचेंगे और बातचीत करेंगे, और देखना होगा कि बातचीत का क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है फिलहाल, क्योंकि दोनों देशों के बीच जिस तरीके से जंग जारी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, गोलीबारी जारी है। और अब यहां पर भरोसा जताया एक तरफ इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने तो दूसरी तरफ अजीत डोभाल रूस का दौरा करने वाले हैं। तो चलिए अब बात करते हैं भेड़ियों के आतंक की, क्योंकि कई दिनों बाद भी यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक बरकरार है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग के कर्मी जवान लगातार कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब तक किए गए सभी इंतजाम नाकाम नजर आ रहे हैं, क्योंकि आदमखोर भेड़िया अभी भी लोगों को शिकार बना रहे हैं। सीतापुर में भेड़ियों के झुंड एक किसान पर हमला कर चुके हैं, रिपोर्ट देखिए। खेतों में घूमते आदमखोर भेड़िए, आदमखोर की दहशत से गांव में पड़ा सन्नाटा। अपनों की रक्षा के लिए सड़कों पर गश्त करते लोग। यूपी के बहराइच में आदमखोर ने ऐसा आतंक मचा रखा है कि लोगों में खौफ का माहौल है। आलम यह है कि आदमखोर के डर से लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है, दुकानों में ताले लग गए हैं। वही कुछ लोग भेड़ियों को खोजने के लिए खेतों में ही अपना तंबू और मचान लगाकर बैठे हैं, जिससे आदमखोर का पता लग सके। इस वक्त रात 11 बज चुके हैं, लेकिन यहाँ का जो माहौल है वह काफी सुनसान सा दिख रहा है। चारों तरफ आप देखिए सिर्फ अंधेरा और अंधेरा दिख रहा है। मैं जहाँ पर हूँ ये महाराजगंज बाजार का ये इलाका है। आप देखिए कि यहाँ पर जो ग्रामीण हैं वो किस तरह से यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये देखिए, चूंकि बारिश का मौसम है और यही कुछ दूरी पर अभी भेड़िए के लिए, भेड़ियों को खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया था, लेकिन कुछ दूरी पर यानी कि कुछ गांव के बाद ये जो महाराजगंज का इलाका है, देखिए ये लोग ऐसे ही अस्थायी रूप से ये टेंट कनात लगाए हुए हैं अपने से ही बनाकर। अब देख रहे हैं अंदर भी दो लाठी डंडे रखे हैं, यहाँ पे देखिए ये बिस्तर लगा है, ये पूरी चारपाई अंदर बनी है, और इस तरह से ग्रामीण यहाँ पर रात बिताते हैं। ये अपने से एक यूनिक ये आइडिया दिख रहा है, एक ऐसा मचान जो बारिश में भी सुरक्षित है, बारिश में भी लोग खुले आसमान के नीचे रह सकते हैं। आदमखोर भेड़िया अब तक 10 लोगों को अपना शिकार बना चुका है, जिसमें 9 बच्चे और एक महिला शामिल है। आदमखोर के दहशत की वजह से लोग रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं। लोग लाठी डंडे ही नहीं बल्कि नुकीले हथियार और लंबी दूरी वाली टॉर्च लेकर पहरा दे रहे हैं। इस वक्त रात 12 बज चुके हैं और मैं कोलैला ग्राम सभा में खड़ा हूं। आप देख सकते हैं ये वही कोलैला है जहां पर कुछ दूरी पर आदमखोर भेड़िए रहते हैं, उनका सुरक्षित स्थान है। यहीं पे कॉम्बिंग भी की जाती है, यहीं पे पिजड़ा भी लगाया गया था और यहीं पे जाल भी बिछाया गया था, लेकिन बेहद खूंखार भेड़िया भागने में कामयाब रहा। आप देख सकते हैं दोनों ओर का जो रास्ता है यानी कि कोलैला में ये रास्ता पूरी तरह से खाली सुनसान दिख रहा है, चारों तरफ अंधेरा कायम है, और इन्हीं अंधेरों का फायदा उठाते हुए ये जो आदमखोर भेड़िया है वो बस्तियों में आता है, यानी कि इस गांव में आता है, शिकार बनाता है, नवजात शिशुओं पे हमला बोलता है, ग्रामीणों पर हमला बोलता है। 50 से अधिक हमले हो चुके हैं, 10 लोगों की जान जा चुकी है। जिस तरह का माहौल है, आतंक और भय में लोग जी रहे हैं, और जिस तरह का काम अभी हुआ है इन पूरे क्षेत्र में, जिससे लोगों में काफी डर का माहौल है। हर गांव और इलाके में दहशत का माहौल है। जैसे ही अंधेरा होता है पूरे गांव में सन्नाटा पसर जाता है।
सड़कें सूनी पड़ जाती हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कब आदमखोर भेड़िया किसे अपना निवाला बना ले। यही वजह है कि लोग अपने घरों के अंदर कैद हो जाते हैं। मध्य रात्रि का ज्यादा का समय हो चुका है, लगभग 1 बजने वाले, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर जो ग्रामीण है वह किस तरह से बैठे हुए हैं, लाठी डंडा लेके, बल्लम लेके, हाथों में टॉर्च भी लेके बैठे हुए हैं। आप देखिए लगातार बीच बीच में टॉर्च जलाते हैं,